नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है और विपक्षी दलों के साथ मायावती बेहद मजबूती से खड़ी हैं। राज्यसभा में हंगामा मचा तो मायावती ने कहा कि पीएम में हिम्मत है तो लोकसभा भंग कर चुनाव कराएं। इसके ठीक बाद अरुण जेटली सामने आए और यूपी चुनाव को लेकर मायावती को खुली चुनौती दे दी। मैं केंद्र की सरकार को और खासतौर से मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपका ये फैसला सही है जो आपने जल्दबाजी में लिया है, पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि सही मायने में आप ईमानदार हैं इस मामले में और सही सर्वे चाहते हैं, आप में हिम्मत है, तो आप लोकसभा भंग कराएं और लोकसभा भंग करा के पूरे देश में तुरंत चुनाव कराएं। मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग इनके साथ में प्रधानमंत्री और सही सर्वे तो तभी होगा। ये तो मैनेज किया हुआ है, प्रायोजित सर्वे है। आप लोकसभा भंग कराएं, चुनाव कराएं, पूरे देश में मालूम पड़ जाएगा कि जनता इनके फैसले से कितनी सहमत है। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा है। नोट बैन पर विपक्ष लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा कर रहा है, जिससे संसद का काम नहीं हो पा रहा है। अब विपक्षी दल 28 नवंबर को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।